लेकिन सर क्या हुआ मेरे साथ मेरे साथ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और एक बार नहीं बार बार हिट हो रहा है सर तो इस वजह से जो लिक्विडिटी का है जो ये कहते हैं ना कि भाई किस तरीके से ऑपरेटर सोचते हैं तो सर सर ने पूरा वो कॉन्सेप्ट थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है सोलह परसेंट का 16 है। देखना। पूरा वीडियो शुरू से देखना बहुत डीप कॉन्सेप्ट है समझ गए तो स्टॉप लॉस का भीट नहीं होगा सर दिस इज फॉर यू शुरू करते हैं थैंक यू सो मच अगेन आप तो हमारी महात्मा जी टेक्निंग जनता आपको पहचानती है तो वेलकम टू महात्मा जी टेन सर थैंक यू थैंक यू सर देखिए एक्चुअली आप लोगों का ही डिमांड था कि जैसे कि हाल ही में मार्केट गिरा जी बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस गया अगले बारह दिन मार्केट वापस आ गया ऊपर राइट अब यहाँ पर एक तो साइकोलॉजिकल चीजें हैं दूसरा ऑपरेटर का गेम है अब हम लोग ना ऑपरेटर में ज्यादा चर्चा क्यों नहीं करते मैं बताता हूँ क्योंकि एक नॉर्मल रिटेल निवेशक उतना डीपली सोच नहीं पाता तो इसको हम सिंप्लीफाई करके समझाते हैं लेकिन आज ये वन स्टेप थोड़ा सा डीप होगा आपको डीप समझ में आएगा कि ऑपरेटर सोचते कैसे हैं काम कैसे करते ठीक है और इसमें मैंने एक स्टॉक लिया था जिसने दो दिन में करीबन सोलह परसेंट का रिटर्न बना के दिया ठीक है एग्जाम्पल भी देंगे ठीक है पूरा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे अब ये कॉन्सेप्ट क्या करना है जब भी आप ट्रेड लेते हैं आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला स्टोरी वहां पर रिपीट हो रहा है कि नहीं ओके। ये ध्यान में रखना है तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली किस लिए है आपकी ट्रेड को बचाने के लिए आपने बहुत सारे ऐसे यू you नो know, सेटअप देखे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें हमने कहा कि स्विंग ट्रेड कैसे करना है इंटर कैसे करना है इसमें वीडियोस आते रहते हैं लेकिन सवाल है कि जो पोजीशन बन चुका है उसमें कन्विक्शन लाना है ठीक है उसको डीपली और समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ये वीडियो आपके पोजिशन को बचाने के लिए है राइट है ना तो डीपली चीजों को समझने की कोशिश करे अगर आपके पास टाइम है ना तभी आप इस वीडियो को देखें अगर आपके पास टाइम नहीं है सेव करके रखें बाद में देखें ठीक है डिटेल में चर्चा करेंगे एकदम सिंप्लीफाई करके ही समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो डीप कॉन्सेप्ट है चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं चार्ट में और सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूं ठीक है यहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद हम चार्ट में चलेंगे अब एक रिटेल ट्रेडर सोचता कैसे है और अगर आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों के जो कॉमन प्रॉब्लम्स है स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर ऊपर चला गया right. बाय किया गिर गया इससे बचना है अब समझिए रिटेन रिटर कैसे सोचते हैं एक स्टॉक नॉर्मली जा रहे ऊपर ठीक है नॉर्मली ऊपर गया hmm. टॉप बनाया वापस नीचे ठीक है मान के चलिए यहां पर या फिर मैं और सिंपल फिर सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ एक ही ट्रेन समझाते हैं ये गया ऊपर वापस यहाँ पर आया यहां से नीचे आया और इसी जगह से जो प्रीवियस सपोर्ट था यहां से ये बाउंस बैक कर रहे मान के चलिए फिर नीचे आया फिर मान के चलिए बाउंस बैक कर रहा है ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है अब सपोर्ट का कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी जगह पे अगर कोई भी स्टॉक तीन बार टच करे तो इसको सपोर्ट माना, है। माना जाता है कुछ लोग दो टच तो, में ट्रेड कर लेते हैं यहां पर ट्रेड कर लेते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन है लेकिन जो जनरल चीज है जिसको कहा जाता है कि एटलीस्ट तीन बार सपोर्ट होना चाहिए तीन बार टच होना चाहिए तो ये सपोर्ट कहलाएगा ठीक है अगर आप देखेंगे इसमें एक हाई बना है और ये सपोर्ट बना है अब एक रिटेल निवेशक कैसे सोचेगा वहां पर अब रिटेल निवेशक जब ये स्टॉक जो है ऊपर जा रहा होगा और अगर इसमें प्रीवियस से हाई बनाया था जिस दिन ये ब्रेक हो रहा होगा ना बाय करेगा वहां पर बाय करेगा और माइंडसेट भी है जनरली है क्योंकि हमेशा हाँ। यही यही हम यही करते हैं कोई कोई उसने रेजिस्टेंस तोड़ा है अगले रेजिस्टेंस काम क्या करते करते हैं हैं टारगेट के लिए लोग ट्रेड अब इसको थोड़ा इस जगह को समझते हैं ठीक है कि ये जा रहा था ऊपर और इस चलिए इस जगह को ब्रेक किया अब क्या आपको लगता है कि वो ब्रेकआउट पे थोड़ी बाय करेगा उसका एक काम है और उसका क्वांटिटी भी देखे वो एक लाख क्वांटिटी बाई करेगा यहां पर एक लाख क्वांटिटी नहीं है मैं आपको बताता तो हूँ क्यों ब्रेकआउट पे मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या रहेंगे रिटेलर रिटेलर बायर रहेंगे कि सेलर रहेंगे यहां पे बा... अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो सपोर्ट जोन से जा रहा हाँ, है अब इस बंदे को भी बाय करना है और इसका क्वांटिटी एक लाख यहां पर भी बायर है तो उसको क्या फायदा कहां मिलेगा उसको क्वांटिटी उसको तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसको एक लाख क्वांटिटी बाई करना है इसी जगह पे बाई करना है मान के चलिए ठीक है है मैं वापस से इसको इसको वो कर देता हूं। इसको इसी जगह पे करना है। और इसने सोचा कि मुझे एक लाख क्वांटिटी बाई करना है एक लाख क्वांटिटी मुझे बाई करना है अब यहां पर हर कोई बायर है तो उसको क्वांटिटी कहां से मिलेगा और बिना क्वांटिटी के वो ट्रेड नहीं कर सकता उसको पोजीशंस बनाने आप एक चीज ध्यान रखिए

क्योंकि उसका अगर पोजीशन बनता भी है ना उस पोजीशन को उसको टैग्स भी देना है उसको एस भी देना है उसको पता है कि भाई अगर गलत कुछ हो रहा है ना मुझे टैक्स है। क्योंकि पैसा छोटा नहीं है उसका उसका बड़ा है तो उसको सोच समझ के आना होगा तो अब वो आया है यहाँ पर बाय करने के लिए मान के चलिए एक रिटेल निवेशक सोचते कि ये रेंज जब भी ब्रेक होगा मैं बाय कर लूंगा तुरंत यहाँ पर और वो कहते हैं कि अरे यहां पर तो हर कोई बायर है मैं कैसे खरीदूंगा मुझे क्वांटिटी कैसे मिलेगा अब मैं मान के चलता हूं यहाँ पर मान के चले ऑलमोस्ट uh, मान के चलते सेवेंटी फाइव uh, थाउजेंड के पास ऑर्डर लगे हुए हैं okay. या फिर मैं मान के चलता हूं थाउजेंड लोगों ने खरीद के रखा है या सेवेंटी फाइव थाउजेंड ऑर्डर यहाँ पर ऑलरेडी बाय हो चुके हैं okay. मतलब लोगों ने सेवेंटी फाइव थाउजेंड क्वान्टिटी या जो भी है उन्होंने यहाँ पर बाई कर लिया है क्योंकि ये सपोर्ट से जा रहा था ना हुँ. तो कुछ लोगों ने यहाँ पर यहाँ पर बाई किया अब जिन लोगों ने बाय किया उनका एक स्टॉप लॉस भी है जो ये है अब आप कहेंगे सर ये स्टॉप लॉस क्यों है मतलब पे स्टॉप लॉस होता है राइट बात है, है। तो इंस्टीट्यूशन को यह बात पता है कि उस बंदे का स्टॉप लॉस है यहाँ पर यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट है उन सभी का स्टॉप लॉस पर है राइट अब उसको ये पता चल चुके। देखो अगर मुझे एक लाख क्वांटिटी खरीदना है अब लोगों ने अगर एक लाख बाई किया सेवेंटी फाइव थाउजेंड अगर क्वांटिटी बाई है तो इसके अगेंस्ट पे जो स्टॉप लॉस है वो इसी जगह पे है तो यानी कि बहुत सारा सेल ऑर्डर यहाँ पर है यहाँ पर पे इसको कहा जाता है जोन, राइट प्राइस का काम क्या है ध्यान से सुनिए प्राइस का काम है यहां से ढूंढ के ढूंढते हुए जाएंगे लिक्विडिटी को यहां से ढूंढते हुए लिक्विडिटी को जो स्ट्रक्चर बनता है ना चार्ट के ये बेसिकली सप्लाई और डिमांड पे बनता है राइट right. कहां पर लिक्विडेशंस है कहां पर लिक्विडिटी बनाया गया है उसके बेसिस mm. पे चार्ट चलता है अब यहां पर हुआ ये कि स्टॉक तो नॉर्मली जा रहा था ऊपर ब्रेकआउट भी आ गया एक रिटेल निवेशक उसको दिखा सपोर्ट कंफर्मेशन ब्रेकआउट उसने किया बाय स्टॉक आ गया नीचे 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 सवाल है कैसे नीचे आता है कैसे आता सर ये आने के लिए तो कुछ पैटर्न लगेगा कैसे नीचे आते अब देखिए मान के चलिए यहां पर किसी ने एक स्पेसिफिक प्राइस पे दस हजार क्वांटिटी जो है मैं मान के चलो दस हजार क्वांटिटी इसने एक स्पेसिफिक प्राइस पे जो है वो पंच करके रखा हुआ है मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस प्रॉफिट बुक कर लिया प्रॉफिट नहीं मतलब आ, वो उस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं ओके एक स्पेसिफिक प्राइस पे मानके चले सौ रुपए का ही प्राइस है वहां पर दस हजार का ऑर्डर लगा हुआ अच्छा, ऑर्डर लगाया दस हजार का ऑर्डर लगाया हुआ है वो इसको खरीदना चाहते हैं दस हजार का ऑर्डर लगाया हुआ अब मैंने क्या किया या फिर जो बड़ा पैसा है उसने क्या किया उसने क्या मैं यहां पर जाके उसको बाई ही करना था देखिए वो स्टॉक में बाई करने आया था लेकिन उसने क्या किया उसने ट्वेंटी का क्वांटिटी सेल कर दिया ट्वेंटी का क्वांटिटी सेल कर दिया उसको तो बाई करना था

जो बोली लगाया जा रहा वो दो सौ रुपए करके मैं कह रहा कि नहीं, मैं तो एक सौ अस्सी रुपए में खरीदूंगा खरीद <drive> एक सौ अस्सी रुपए में, <traffic management> <कैसे> <ismo> में स्टैंडर्ड प्राइस होता है right. दो सौ में ही खरीदा खरीदने के बाद मैंने क्या किया मैंने प्राइस कम कर दिया मैंने कह दिया कि एक सौ अस्सी में बेचूंगा अब जब मैंने डिसाइड कर एक सौ अस्सी में बेचूंगा इन प्रोडक्ट के दाम भी ऑटोमेटिकली कम हो गए सोच के देखिए जी क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है मान के चलिए मान के चलिए तीनों का एक ही फ्लोर में तीन फ्लैट है और ओनर जो है वो कह रहे हैं कि मैं दो सौ के नीचे बेचूंगा नहीं अब किसी ने दो में खरीदा खरीद के उसने अगले वाले का ऑफर लगा दिया कि एक में बेचूंगा एक में तो बाकी का भी तो प्राइस कम हो गया अब बाकी में लोग नहीं जाएंगे है ना लोग कहेंगे प्राइस तो ड्रॉप हो गया तो प्राइस को ड्रॉप कैसे किया जा मतलब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट प्राइस को ड्रॉप करने का एक आर्टिफिशियल सप्लाई डिमांड क्रिएट किया गया उसने 200 सौ में खरीदा उसने खरीद के उसने इसको एक सौ अस्सी रुपए कर दिया अब लोग कह अरे बगल वाला फ्लैट एक सौ अस्सी बिछ रहे तो बाकी के जो है वो भी एक के होने चाहिए वैल्यू तो यही कह रहे हैं right. और इसी तरीके से प्राइस को नीचे लाया जाता है अब यहाँ पर वो बंदा जो है सप्लाई और डिमांड का समझिए क्या मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट आज के दिन आ, मैं मान के चलता कि क्वांटिटी है या क्वान्टिटी है है ना और उसको खरीदने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं अब मैंने और इसका प्राइस चल रहा है कुछ भी मैं मान के चलता हूँ सौ रुपए अब मैंने क्या किया मैंने जाके किया ये कि मैंने वहां पर बीस हजार क्वांटिटी डाल दा, दिया अब वो लोगों तो फिर कहेंगे अरे इतना सारा है तो सस्ता प्राइस होना चाहिए तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा है ना जब क्वांटिटी क्वाटिटी इंक्रीज कर देते हैं जब सप्लाई ज्यादा आ जाता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है लोग कम प्राइस में ही खरीदेंगे इस प्रोडक्ट को और यही कॉन्सेप्ट किया जाता है okay. कि वो जो दस हजार क्वांटिटी है वो इंस्टीट्यूशन आएगा बड़ा पैसा आके कहेगा कि नहीं भाई मैं बीस हजार क्वान्टिटी बेचूंगा यहां पर बेचते तुरंत नीचे आ गया जैसे ही नीचे आया ये बड़ा कैंडल बनेगा धर धर करके नीचे आ जाएगा आप कहेंगे आप कहेंगे क्यों नीचे आ रहा है क्योंकि वही उसने एक आर्टिफिशियल सप्लाई डिमांड के साथ उसने यहाँ पर एक गेम खेला कि लोगों का डिमांड क्या है देखो इससे ज्यादा सप्लाई करो प्राइस कैसे नीचे नहीं आएगा अब प्राइस आगे नीचे नीचे आते हैं उनका स्टॉप लॉस गया हिट होके okay. इनका स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब क्या है बहुत सारा लिक्विडिटी hmm. है ना बहुत सारा लिक्विडिटी 75000 का क्वांटिटी है उसको 1 लाख खरीदना है 75 तो यहां पर मिल गया जैसे मेरा सवाल है जैसे हाँ। जनरली अभी जो यूजर होंगे उनका भी सवाल हो सकता है कि ठीक है ये मैं समझ सकता हूं अगर दस हजार करोड़ की कंपनी है तो ये सी चीजें हो सकती है क्या ये लार्ज कैप में पॉसिबल है आई डोंट थिंक सो एच डी एफ सी रिलायंस उसमें पॉसिबल है सर वाला का हर जगह पे ये पॉसिबल है अच्छा कॉन्सेप्ट यही है ऐसे okay. ही बनाया जाता है। okay. हर निफ्टी, बैंग निफ्टी में है, तो नहीं हर okay. जगह पे ये है। तो ये हर एक सेगमेंट पे काम करेगा okay. आप बड़ा स्टॉक लीजिए इंडेक्स लीजिए किसी भी जगह परेगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन को काम ऐसे ही करना होता है ऐसे ही रिटेल डेटा का स्टॉप हो जाता है अब इसको जाना ऊपर ही था लेकिन ये नीचे आके स्टॉप कर रहा। okay. इसमें क्या हुआ इसको लिक्विडिटी मिला अब अगर ये ब्रेक डाउन होता है कुछ फ्रेश सेलर भी आएंगे सेल वापस हाँ। तो 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 नीचे जाएगा तो फ्रेश सेलर आए ध्यान से देखिए मैं मान के चलता हूँ फ्रेश सेलर जो है ना वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑर्डर आए हैं यहाँ पर अब उसको एक लाख चाहिए था क्वान्टिटी राइट

माहौल क्या चल रहा है इमोशंस क्या चल रहे हैं उस कंट्री में यह भी पता लग जाता है कि कौन सा म्यूजिक सुना जा रहा है इतने डाटा है उनके पास इतने बारीकी से वो देखते चीजों को अब देखिए अब क्या हुआ अब हुआ ये कि उसको उसका क्वांटिटी मिल गया जो उसको खरीदना था जो उसको टॉप में खरीदना था यहां पर खरीदना था अब उसको कहां पर मिला अब उसको बॉटम में मिला राइट फ्रेश बायर्स मिले जिनसे उसने माल उठाया अब जब एक लाख क्वांटिटी यहां पर पंच हो रहा है एक चीज का ध्यान रखिए पहले उसने बीस लाख क्वांटिटी जो है वो सेल किया बीस क्वांटिटी होगा इससे और एक बड़ा कैंडल बनेगा अब इससे और एक इंटरेस्टिंग चीज है जिन लोगों ने यहां पर सेल किया था ना उनका स्टॉपलेस यहां पर जा रहा है अब यहां पर और एक कैंडल बनेगा राइट क्योंकि उनका स्टॉप लॉस है ये छोटा बनेगा अब ये दिखाएगा कि वापस से ब्रेकआउट है फ्रेश बाहर वापस से इंस्टीट्यूशन का काम अब कुछ नहीं है वो बैठे रहेंगे उनको बस एंट्री करना था उन्होंने एंट्री किया उसके बाद देखिए जब ये कैंडल बन रहा है अब यहां पर कोई सेलर है क्या अब कोई सेलर नहीं है पर सब कोई हर कोई बायर है अब मार्केट जो है उसको चाहिए लिक्विडिटी अब नेक्स्ट लिक्विडिटी कहां पर मिलेगा सेलर तो कोई है ही नहीं राइट उसको नेक्स्ट लिक्विडिटी मिलेगा यहाँ पर क्योंकि जब यहाँ पर जाएगा ना वापस से लोग सेल करेंगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी है तो यहाँ से और एक कैंडल बनेगा बड़ा क्योंकि इस लेवल तक इसको पहुंचने मार्केट का, का काम क्या है लिक्विडिटी को ढूंढना और वहां तक पहुंचना है ना तो देखिए होता क्या है रिटेल ट्रेडर क्या गलतियां करते हैं रिटेल ट्रेडर वहां पर ट्रेड करते जहां पर नहीं करना है

कि एक बार नीचे आओ स्टॉपलॉस हिट करो उसके बाद में आऊंगा ओके okay. तो यहां पर नहीं जाना है Understood. हमेशा कोशिश करो कि यहां पर जा सको पर एक वैसे मैं एड ऑन करना चाहूंगा एक एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी लोग सपोर्ट पे लेते हैं जैसे सपोर्ट आपने ये बात करी तो लोग रीटेस्ट का बेक तो करते ही हैं कि भाई रीटेस्ट करके दोबारा से अगर ये यह यहां आता है तो मैं लूंगा बट आपने एक नई चीज बताई है जो मैं कहूंगा इन दोनों के बिटवीन है हाँ। आप ये कह रहे हो कि जो अपने ऑपरेटर्स है इंस्टीट्यूशन है, institutions है वो प्लेयर्स जैसे म्यूचुअल फंड के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना ये प्लेयर्स है वो आते हैं तो आप ये कह रहे हो कि ऑब्वियस सी बात है जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है वो मुझे भी समझ आ रहा है सर की ये गेम यहाँ पे सपोर्ट टूटा यहाँ

मतलब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में ये समझना चाहूं तो सीधी सी बात ये है कि जहां पे इनके स्टॉप लॉस हैं हाँ वो वहां पे बाइंग और सेलिंग पोजीशन बनाता है अपनी हाँ। है ना जहां पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं

और कोशिश करो कि वो एक बार स्टॉप लॉस को हिट करे अंडरस्टूड इसमें कन्विक्शन आते हैं अब एक सवाल ये भी आ जाएगा कि सर एक काम करते हैं फिर अगर स्टॉप लॉस हिट करता है ये भी तो है कि फिर इसको टच करके वापस नीचे भी तो आ सकता है ये भी तो प्रोबेबिलिटी है मैं कहता हूँ कि इंतजार करो ना इसके ऊपर आ जाए उसके बाद जाओ ठीक है क्योंकि इसके ऊपर आते ही जो शॉर्ट सेल किए थे उनका फिर पेट में गुदगुदी हो जाएगा कि मेरा स्टॉप लॉस ना स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो अब मतलब मैकेजम शुरू हो गया इसको जाने ऊपर प्रोसेस शुरू हो गया है तो यहां पर जाओ

ये आ गया सपोर्ट ये सपोर्ट आ गया देखिए मल्टीपल टाइम टच हो रहा था इसका मतलब ये क्या है ये सपोर्ट है करेक्ट है ये सपोर्ट 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 एक ब्रेकडाउन उसके बाद देखिए uh -huh. इसको कहा जाता है लिक्विडेशन लिक्विडिटी अगर नहीं मिल रहा स्टॉक नहीं जा पाएगा ऊपर उसको क्या चाहिए उसको चाहिए लिक्विडिटी अगर उसको नहीं मिल रहा है वो नहीं जा सकता सिंपल सी बात उसको लिक्विडेशन चाहिए अब आप कहेंगे सर हर स्टॉक में होगा क्या नहीं हर स्टॉक में नहीं होगा स्टॉक मार्केट में हंड्रेड परसेंट कुछ नहीं है हम बस प्रोबेबिलिटी को कहां पर इंक्रीज कर सकते वो देखेंगे करेक्ट उसमें काम करना है मुझे तो यहां से ऊपर चला गया अब मैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा सा और नीचे आएगा यहां पर आएगा उसके बाद मैं प्लान कर रहा था मैं ऐसे सोच रहा था लेकिन ये जब मैंने देखा कि नहीं ये तो यहां से घूम फिर के इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो मुझे पता चल चुका कि इसका प्लान क्या है अब उसको इस लेवल तक आना है इस लेवल के लिए ये वाला मोमेंटम इनिशिएट हुआ है अब रिटेल ट्रेडर जो थे यहां पर वो तो गए फिर उनका तो स्टॉप लॉस तो हिट हो गया लिक्विडेशन मिल गया अब लिक्विडेशन अगर मिला जो इंस्टीट्यूशन है उसका कुछ प्लान होगा वो ऐसे ही मोटा पैसा लगाया तो हाँ। उसका कुछ उस प्लान है राइट तो उसने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर लिक्विडेशन बन ही रहा है तो स्टॉक का कुछ बड़ा प्लान है चलिए देखते हैं बड़ा प्लान क्या है स्टॉक को अगर मैं वो टाइम फ्रेम में वीकली या मंथली देख सकते हैं मंथली में चेक करते हैं मंथली में क्या कर रहे हैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए मंथली में क्या कर रहे हैं मंथली में इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया राइट अपने जो हाई था इसने उसको ब्रेक किया मतलब uh, बहुत टाइम ऑलमोस्ट 2000 और एट का इस स्टॉक को मैंने लिया था यहाँ पर मैंने लिया था यहाँ पर मैंने लिया था यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर ठीक है uh, इस पे कितना छोड़ देते

यहाँ से नहीं, नहीं ये तो बहुत नीचे जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं, हैं। जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा इसनेडी हंड्रेड रिटर्न बना के दे दिया है अब एक सवाल है तो वो तो एक दो रुपए के लिए नहीं आए होंगे कुछ बड़ा प्लान है तो ये प्लान यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं Okay. अगर ये यहां से घूम फिर के यहां तक आ सकता है यहां से सपोर्ट लेके यहां तक भी जा सकता है अब hmm. सेल का रिकमेंडेशन नहीं है hmm. of, है है जस्ट पॉइंट हमारा व्यू ठीक है, बिल्कुल भी है ना समझे क्या रहे इसको तो जाने हंड्रेड परसेंट कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में हम बस डॉट को कनेक्ट कर रहे हैं कि डॉट क्या है अगर कोई बड़ा पैसा यहां पर पैसा लगा रहा है hmm. तो उसका कुछ सोच होगा बिना सोच के तो पैसा लगाएगा नहीं तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ इस पॉइंट को जैसे कि यहां पर हमारा प्लान बना था राइट ये वो जगह था लिक्विडेशन का अब मेरा सवाल यहां पर यही है कि अगर कोई यहां पर खरीद रहा है इस जगह पे बनाए हुए तो उसको अब क्या चाहिए वो किसको बेच सकता है ना यही करेक्ट है कल को ये लेवल ब्रेक होगा तो रिटेल ट्रेडर आएंगे बहुत ज्यादा आएंगे उसको भी बेच सकता है और आने वाले दिनों में अगर किसी भी कारण से प्राइस को मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जा सकता हूं

डीएलएफ ओके सेम पैटर्न अगर उस दिन मैं आपको कहता है कि नहीं यहां पर ये वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है देख लो देख लो आपके पागल हो गया इतना ऊपर जाएगा कि ये आप देख लीजिए चार सौ रुपए का था अच्छा ऑलमोस्ट अच्छा कितना आ गया ऑलमोस्ट नौ सौ के आसपास आ गया ये चार सौ रुपए का था आज ये यहाँ पर आ गया तो अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया कल को ये ब्रेक होगा कुछ लोग और आएंगे खरीदने के लिए है ना? तो कभी यह मत समझिए स्टॉक का बॉटम कहां पर है स्टॉक का टॉप पर ये मत सोचिए देखिए कि कोई पैसा 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 लगा 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 रहा है, है, वो वो सोच सोच समझ समझ के के उसका दिखे। कुछ प्लान प्रोसेस बता दो जिसे स्टॉक फिल्टर करके आ जाए मैं देख लू नहीं मेहनत करो मैं कह दू कि मेहनत करो

चलो ये भी समझा देते कि लोग अगर डिडाउट होता है इतना डिटेल में कैसे समझे अब जिनको यहाँ से समझना है वो तो यहाँ से समझ जाएंगे जो लोग नहीं समझ रहे उनका क्या करना है उनको आपके चैनल पे हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कॉन्सेप्ट का नाम था संगम राइट बॉलिंगर बैंड वाला ना हाँ थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा स्टॉक को ऊपर के डायरेक्शन क्लियर है तो लगा लो संगम देखो यहाँ पर ही बना संगम

अगर आप इसको सिंपल तरीके से लोगे सिंपल तरीके से बनेगा अगर आप इसको कुछ डीपली लेके जाना चाहते हो ये आपकी पर्सनल चॉइस है मैंने दोनों आपको बता दिया ठीक है कि बेस्ट क्या है एक्चुअल में कैसे मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हैं ये जो चार्ट बनते वो कैसे बनते हैं कैसे बनाया जाता है लिक्विडिटी का क्या है दूसरा है कि अगर आप सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हैं बाकी वीडियो जाके चेक करिए इसी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा मनी डन सर बहुत अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट समझाया लोगों को समझ आया और जिन लोगों को भी वो बॉलिंगर बैंड और ईएमए वाली स्ट्रेटजी देखनी है तो लिंक डाल दूंगा जाके देखिए थैंक यू सर थैंक यू सो मच बहुत अच्छे से डिटेल में आपने समझाया इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं आप कॉमेंट में बताइए आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी राइट सर बिल्कुल बिल्कुल और ये भी बताएगा कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है जरूर वीडियो उस पर भी बात करेंगे जी थैंक यू सर जी थैंक यू सो मच